उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है ये आप अच्छे से जानते हैं। वक्त वक्त पर यहाँ बदहाली की तस्वीरें सामने आती रही हैं। एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल बीते रविवार के दिन प्रसव पीड़ा से कराह रही गर्भवती महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC चौखुटिया में इलाज नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स में आई खबर के मुताबिक नवजात का पैर बाहर निकलकर नीला पड़ चुका था। डॉक्टर ने ये कहकर प्रसव कराने से मना कर दिया कि बच्चे की धड़कन बंद हो गई है। परिवार वाले भी डॉक्टर की ये बात लगभग मान चुके थे, लेकिन बाद में रानीखेत ले जाते समय एम्बुलेंस में फार्मासिस्ट की मदद से ये प्रसव कराया गया। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली की मार झेलने वाली और प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला का नाम कुसुम देवी है, जिसकी उम्र 23 साल है। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के ग्राम पंचायत कॉलोनी के तोक खोलीधार की रहने वाली है। करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये महिला किसी तरह सड़क पर पहुंची। यहां से परिजन उसे टैक्सी से करीब 18 किलोमीटर दूर CHC चौखुटिया ले गए, इस उम्मीद से कि यहां पर इलाज मिल जाएगा। लेकिन परिजनों ने जो बताया वो सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। परिजनों के मुताबिक कुसुम की प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ गई थी कि बच्चे का पैर बाहर निकल गया था। सब देखने के बाद भी CHC चौखुटिया में तैनात डॉक्टरों ने प्रसव कराने से इनकार कर दिया। परिजनों ने बताया कि CHC चौखुटिया के डॉक्टरों ने कहकर गर्भवती कुसुम को रेफर कर दिया कि बच्चे की धड़कन अब बंद हो चुकी है। ज्यादा देरी करने पर महिला की जान को भी खतरा बताया गया। परिजनों ने तो ये भी आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने पुलिस बुलाने की धमकी तक दे दी थी। जच्चा बच्चा की जान पर संकट देखते हुए परिजन तुरंत 108 एम्बुलेंस से कुसुम को रानीखेत ले गए। करीब 2 किलोमीटर ही चले थे कि चौखुटिया के पास ही बाखली में कुसुम की प्रसव पीड़ा असहनीय हो गई। बच्चे के दोनों पैर बाहर निकल गए थे। ये देखकर एम्बुलेंस में मौजूद फार्मासिस्ट सरिता खंपा ने किसी तरह से सुरक्षित प्रसव करा दिया। प्रसव होते ही जच्चा बच्चा को तुरंत फिर CHC वापस ले जाया गया। आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले पर डॉक्टर का क्या कहना है। CHC के डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का पैर बाहर निकला था। पैर बाहर निकलने के साथ ही वो नीला पड़ चुका था। बच्चे की धड़कन भी नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थिति में गर्भवती की जान बचाने के लिए तुरंत बाहर भेजा जाना जरूरी था। बच्चा समय से 2 महीने पहले हो गया, इसलिए भी कुछ दिक्कत हुई। एक डॉक्टर का कहना था कि गर्भवती को रेफर कर तुरंत जाने को कहा गया था, लेकिन परिजन देरी कर रहे थे। यही कारण था कि पुलिस बुलाने की बात कही गई। इसे परिजन गलत समझ बैठे। इस पूरे घटना में एम्बुलेंस की फार्मासिस्ट सरिता खंपा देवदूत बनकर आई। खंपा नहीं होती तो जच्चा बच्चा दोनों की जान आफत में पड़ जाती। एम्बुलेंस की फार्मासिस्ट सरिता खंपा ने आरोप लगाया कि CHC में डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा नहीं था। वो थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाते तो बच्चे के पैर अंदर डाले जा सकते थे, लेकिन लटकते पैरों में ही रेफर कर दिया गया, जो कि सही नहीं था। रेफर करने की मजबूरी में गर्भवती को बाहर ले जाना जरूरी था। वहीं इस पूरे मामले में CHC प्रभारी का एक अलग ही पहलू सामने आया। CHC प्रभारी डॉक्टर अमित रतन ने कहा कि बच्चे का पैर बाहर निकला था। ऐसे हालात में महिला को बेहोश करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। इसके लिए बेहोश करने वाली दवाई इंजेक्शन की जरूरत थी। ये दवाई या इंजेक्शन यहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए रेफर करना जरूरी था। हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी जान बचाने की थी। वहीं बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पांडे ने बताया कि बच्चा स्वस्थ है, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, इसलिए ऑक्सीजन पर रखा गया। जो पैर नीला पड़ा है उसे भी ठीक किया जा रहा है। बच्चा समय से 2 दिन पहले हो गया है। माँ का दूध सीधे नहीं ले पा रहा, इसलिए नाक में नली लगाई गई है। साफ है कि इस पूरे मामले में CHC डॉक्टरों का जो रवैया था वो बिल्कुल भी मानवीय नहीं कहा जा सकता। इस पूरी खबर पर, इस पूरी घटना पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें रायशुमारी।